देखो तुम्हें ये लेनी पड़ेगी, प्लीज ये मेरी चॉइस है। अब सीमा संगीता तुम भी चुनो ना, कोई अच्छी साड़ी पसंद करो अपने लिए। और रचना तुम साली बनने वाली हो, तुम अपने लिए साड़ी पसंद करो। क्यों मम्मी, साली को लहंगा चोली पहनना अलाउड नहीं है क्या? हाँ वैसे वही तुम पर जचेगा। और अच्छी बात तो ये है कि कल लहंगा चोली वाला घर पर आ रहा है गुंजन की शादी का जोड़ा लेकर, तुम भी कुछ पसंद करके ऑर्डर कर देना। मम्मी हमने कहा ना हम तो लहंगा चोली पहनने वाले। हेलो कौन बोल रहा है? हेलो चारू। हाँ हम चारू बोल रहे हैं, आप कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं बताइए ना। काट दिया, कौन हो सकता है? हंड्रेड परसेंट कंफर्म हो गया भाई, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, रंगे हाथ पकड़ा गया। क्या कंफर्म हो गया? अरे अब पहले ही बुझाते रहोगे, कुछ बताओगे भी? क्या कंफर्म हो गया भाई? मुझे प्यार हो गया, आई एम इन लव, मुझे रचना से प्यार हो गया। विहान को पहली बार किसी से प्यार हुआ है, एंड आई एम डैम श्योर इट्स ट्रू लव। ये देख कैसा है, रुपेश खन्ना और उनका परिवार, ये लो ये सारे नाम है, इन सबके कार्ड तुम स्पीड पोस्ट से ही भेजो। वैसे तो हम सारे रिश्तेदारों को फोन करके बता भी देंगे। जी भाभी, और इतने कम समय में यही अच्छा रहेगा। हाँ पर पीयू के यहाँ हम खुद कार्ड देकर आएंगे। हाँ भाई पीयू के लिए तो तुम्हें खुद ही जाना होगा। ओ गुंजन को NRI मिला? हाँ दैट्स ग्रेट यार, उसे हमारी तरफ से बहुत सारी बधाइयां देना। अगर कांग्रेस कहना तो खुद ही आना पड़ेगा, हमारे पास तो बहुत काम पड़ा है। ओके पक्का आएंगे, संगीत में भी आना और मेहंदी में भी। ओके भूलना मत। ये क्या बांट रही है? शादी का कार्ड। शादी? Excuse me. तुम ऐसे कैसे कर सकती हो रचना? तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? तुम शादी कैसे कर सकती हो? मेरा हाल मेरा फ्यूचर क्या होगा रचना? मैं इसी कॉलेज की छत से कूद के जान दे दूंगा अपनी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ रचना, तुम शादी नहीं कर सकती रचना। जब तक तुम मना नहीं करोगी ना मैं यहीं बैठा रहूँ। विहान ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? बकवास? विहान हम शादी के लिए मना कैसे करें जब हम शादी कर ही नहीं रहे? क्या तो तुम शादी नहीं कर रही? तो कौन कर रहा है और मुझे शादी का कार्ड क्यों नहीं दिया? इस पे जो लिखा है ना वो पढ़ो, गुंजन की शादी का कार्ड हमारा नहीं। एनीवे मैं चलता हूँ, मेरे क्लास का टाइम हो गया। देखिए माँ मैं समझ सकता हूँ कि आपको चारों के ज्वेलरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप उसे देखना भी पसंद नहीं करती, लेकिन माँ आपको चारों को ऐसी खरी खोटी नहीं सुनानी चाहिए थी, वो भी सबके सामने। माँ उसकी भी फीलिंग्स है, इमोशंस है, आखिर उसकी इस घर में कोई हैसियत है या नहीं? उसे ऐसे सब घर पे क्यों नकार रहे हैं? हम सब पर झूठा आरोप लगाया उसने दहेज लेने का। तुम अपनी माँ से कह रहे हो कि चुप रहे? बस यही तो अपमान बाकी बचा था, वो तुम कर लो। अरे माँ इसमें अपमान वाली कोई बात नहीं। देखिए माँ पुरानी बातों को कब तक कलेजे से लगा के रखेंगी? जब वो इस घर में रहने आई है, अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती है, तो आपका भी फर्ज बनता है ना कि। अच्छा ठीक है, आप चारू को बिल्कुल पसंद नहीं करती ना, तो फाइन मैं और चारू कहीं और जाके रह लेते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी।